नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने 41वें दिन नोएडा प्राधिकरण गेट का ताला तोड़ और प्राधिकरण दफ्तर पर अपना ताला लगाया। देखिए हमारे संवाददाता राजा की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम मौजूद है नोएडा के सेक्टर 5 हरोला बरात घर पर। यहाँ पर जो किसानों का जो धरना जो है, लगभग 41वां दिन है आज, अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं किसान। लगभग 41 दिन के बीच में लगभग 3 से 4 बार नोएडा प्राधिकरण अधिकारी और किसान नेताओं की वार्ता भी हुई थी। वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला और आज यहाँ पर लगभग जो नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने का जो आह्वान था किसान नेताओं का 2:30 बजे का, उस विषय को लेकर हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं सतीश चौहान। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आगे किसानों की क्या रणनीति होती है अगर नोएडा प्राधिकरण किसानों की मांगों को अगर नहीं मानता। नेता जी, स्वागत है आपका आज का मुद्दा न्यूज पर। आज यहाँ पर 41वां दिन हो गया, पहले भी लगभग अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर कई बार किसानों ने प्रदर्शन किया, क्या लगता है आपको कब तक बैठ सकते हैं धरने पर? अपनी मांगों को लेकर तो हम बैठे हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं ये भी नहीं माने आप, हमने ये सोच लिया तो हम बैठे थे शांति से कि भाई ये आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन अब हम शांति से नहीं बैठेंगे। अब हम इसका घेराव करेंगे, ताला लगाएंगे, अधिकारियों को घेराव करेंगे और हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। हम हर रोज नोएडा अथॉरिटी को घेरने का काम करेंगे, ताला लगाएंगे और खिलाफ नारा लगाएंगे। यहाँ पर लगभग जो धरने में 41 दिन आज हो गए, कितने गाँव के किसान यहाँ पर मौजूद और कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं? हमारे 81 गाँव के किसान मौजूद हैं। आज आप जहाँ 5-6 हज़ार आदमी है हुआ है और सारे अभी अथॉरिटी में जाएंगे, वहाँ पर अथॉरिटी में ताला लगाएंगे। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 6 पर यहाँ पर लगभग जो किसान है, किसानों ने बैरिकेडिंग जो पुलिस ने लगा रखी थी उसका ताला भी तोड़ दिया है। लगभग देख सकते हैं यहाँ पर हजारों किसान हैं, वो लगभग आक्रोश में आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर देखो बैरिकेडिंग भी गिराने की बार बार कोशिश की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर किसानों का कहना था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम शांत तरीके से नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे कि नोएडा प्राधिकरण को हमारी मांगें माननी पड़े। जिसको लेकर हमने पहले भी लगभग किसान नेताओं से बातचीत की थी, आपको दिखाया था किसान नेताओं ने लगभग, हालांकि कल आह्वान किया था कि हम नोएडा प्राधिकरण के गेट का ताला तोड़ेंगे, जो कि किसानों ने कर दिखाया। यहाँ पर देख सकते हैं नोएडा पुलिस प्रशासन भारी मुस्तैदी से लगा हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ताला तोड़ दिया है किसानों ने। लगभग अभी बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं किसान, हालांकि पुलिस और लगभग जो किसान है यहाँ पर अभी तक देख सकते हैं यहाँ पर लगभग काफ़ी धक्का मुक्की भी चल रही है और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास भी किसान कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए कुछ लोग कुछ दिनों से कुछ को लेकर यहाँ हरोला बरात घर में काफ़ी दिन से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग की तरफ से इनको पूरी तरह से सहयोग दिया गया। जो इनकी मांगे थी उन मांगों पर बिना विचार के लिए दर्जनों बार इनकी मीटिंग कराई गई। मीटिंग में कुछ बहुत सकारात्मक कदम प्राधिकरण की तरफ से लिए गए, जिसको इनके द्वारा मीटिंग्स में स्वीकारा भी गया और उससे ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ के हैं उनके मसले सॉल्व भी हो रहे थे। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना निजी स्वार्थ है, उसको लेकर बाकी शांतिप्रिय लोगों को भी भड़का कर यहाँ आज ला कर के इन लोगों ने पूरी तरह से कानून तोड़ा है। इन लोगों ने यहाँ पर जो प्राधिकरण के गेट थे, बैरिकेड थे, उसको तोड़ा है। पुलिस के साथ इन लोगों ने मारपीट की है, गोलियां फाड़ी हैं, काफ़ी पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और उसके बाद ये लोग प्राधिकरण के गेट पे जाके तोड़ने का प्रयास किए, जिसको हम लोगों ने, हमारे साथियों ने मिलके बचाया। लेकिन वहाँ पे ये लोग काफ़ी देर तक धक्का मुक्की करके और वहाँ बल प्रयोग करके हम लोगों को पीछा करते रहे। हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया है कि चूँकि इसमें और लोग जो शांतिप्रिय लोग हैं उनके ऊपर कोई परेशानी ना हो, उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा लगातार इस तरह से वहाँ पे सवाल उठाए गए और इसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई, वर्दी फाड़ी गई। आप देख सकते हैं मेरी भी वर्दी फाड़ी गई इनके द्वारा। हम लोग इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम लोग हमेशा पुनः ये अपील करते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के दौर से निकलते के माध्यम से निकलता है, उसी को अपनाया जाए।
कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो कार्रवाई करने के लिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई समय से चला आ रहा है, अभियोग पंजीकृत होगा और जो इसमें मुख्य लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उन लोगों के साथ लगभग 1,000-1,500 लोग यहाँ आए थे, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लगता है आज के बाद अथॉरिटी सुन लेगी? देखिए, कोशिश तो हमारी यही है कि अथॉरिटी को सुनाया जाए, उसके कानों को खोला जाए जो बंद पड़े हैं ना, वो आज हमने अधिकार से उनके कान खोल दिए हैं। बाकी अगर वो नहीं सुनती है तो प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा पर डे वहाँ पर, ऐसे ही हम जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी हमारे जेंट्स भाई हैं, मात्र शक्ति सब वहीं धरना देगी। जब पुलिस वालों का आरोप है कि किसान उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, मारपीट किए हैं, क्या ये सच है? देखिए, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। पुलिस वालों के साथ किसी भी किसान ने दुर्व्यवहार नहीं किया है, बल्कि पुलिस वालों ने ही महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया है और महिलाओं के साथ घसीटाबाजी भी की है। पुलिस वालों ने आज बहुत अभद्रतापूर्वक किसानों के साथ व्यवहार किया है। निकल के बातें यह भी आई है कि लगभग जो हुई धक्का मुक्की पुलिस और किसानों के बीच में, कुछ किसान घायल भी हुए, कुल कितने किसान घायल हुए? देखिए, हमारे कुछ किसान भाई भी घायल हुए हैं, कुछ माताएं भी घायल हुई हैं, जिसमें 10-15 माताएं हैं जिनके पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है बैरियर से, और कुछ पुलिस वालों ने भी उनके हाथ अपाई के डंडा मारे हैं हाथों में। कितने लोगों को चोट लगी है? पुलिस तो कह रही है कि पुलिस के साथ बदतमीजी मारपीट हुई और आप कह रहे हैं डंडा बजाया। कितने लोगों को चोट लगी अम्मा? आज धरने के 41वें दिन आप लोगों ने ये जो प्राधिकरण पर ताला लगाने का कार्य किया है, क्या कहेंगे इसमें आप? हालांकि किसानों ने बोला था कि शांतिपूर्ण तरीके से धरने का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम 41 दिन से बड़े धैर्य से यहाँ किसान बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, हमारा 10% है, हमारा 64% है, हमारी आबादी निस्तारण का है और भवन नियमावली का है, बड़ी शांति से 41 दिन से हम धरना दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसानों ने पुलिस के साथ बदतमीजी मारपीट की? नहीं नहीं, हमने कोई मारपीट नहीं की है, हमारे ही 2-3 बच्चों के चोट पुलिस वालों ने लाठी मारी है और उनके चोट लगी हुई है। आज हमने अथॉरिटी पे जाके हमने ताला इसलिए डाला है कि अगर किसानों का काम नहीं होगा तो काम हम किसी का नहीं होने देंगे। हमने ये चेताया है अथॉरिटी को ताला मार, ये कोई अहिंसा नहीं है, ये कोई हिंसा नहीं है। नोएडा प्राधिकरण अब भी अगर आपकी मांगों को अगर नहीं मानता तो आगे के लिए किसानों की क्या रणनीति होगी? आगे के लिए हमारी कमेटी बैठेगी, जो निर्णय कमेटी लेगी, कमेटी के हिसाब से हम समय समय पे अपने हक के लिए जो भी करना पड़ेगा सो करेंगे। नेताजी, आज 41वें दिन आज कुछ किसानों ने, लगभग हजारों किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद प्राधिकरण दफ्तर पर तालाबंदी की। देखिए, कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम यहाँ पर सहजता से बैठे हुए, हमें 1 से 1.5 महीना होने जा रहा है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे करार हैं, उन पर प्राधिकरण ध्यान नहीं दे रहा है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब आगे के लिए प्रदर्शन आखिर कब तक चला सकते हैं आप? ये प्रदर्शन अनिश्चितकाल है, जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होगा, जब तक हमारे हकों को नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ पर ऐसे शांतिपूर्वक बैठेंगे और कुछ ना कुछ रोज ऐसा करेंगे। आप शांतिपूर्ण का दावा कर रहे हो और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आज जो आपने तालाबंदी बैरिकेडिंग तोड़ी उसमें पुलिस के साथ मारपीट की गई, वर्दी फाड़ी गई, आप शांतिपूर्ण तरीके से? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग जब सामने से पुलिस डंडे चलाती है तो हम अपना सर झुका देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, हम किसी पर हाथापाई करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर अनुशासन से बैठे हैं और ये अनुशासन हम पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर दिखा रहे हैं। अभी आपके कुछ किसान नेताओं ने बताया कि लगभग 2 से 3 किसानों के चोट भी लगी है। देखिए, 2-3 जो हमारे किसान भाई हैं उनको चोट लगी है, एक के पैर में चोट है, एक की टांग में है और एक के हाथ में चोट लगी हुई है,
उसका हम यहाँ पे सेक्टर 30 में सरकारी हॉस्पिटल में उनका चेकअप कराएंगे और अपना जो भी